तुम दीवार के बाहर नहीं जा सकती? नहीं, गाय के परिवार के साथ जो हुआ उसके बाद नहीं। तो ये जगह एक तरह से तुम्हारी गुफा है? तुम मेरी तरह हो? चलो। वाओ, क्या ये तुम्हारी सवारी है? ना, मेरे बाबू की है। इसकी धुआंदार आवाज सुनो। वो सुअर जैसा जानवर दिख रहा है? हाँ। उस पर छलांग लगानी है? हाँ। वो चिकन सील दिख रहा है? हाँ। उस पर छलांग लगाए? हाँ। वो दीवार दिख रही है? हाँ। उस पर छलांग लगाए? हाँ। रावत, किसी को पता लगने से पहले हम वापस आ जाएंगे। तुम ठीक तो हो? मजा आ गया, मेरी धड़कनें तेज हो रही है, जोश भर गया है। चलो चल के और छलांग लगाए। तैयार? तो हो जाए। फिर से अब कुछ बड़ा फेंको। ओ मिसेस बैटमैन, हम बस इस नई खोज के मजे ले रहे थे। ये किस लिए है? तुम ये बात फिल से ही क्यों नहीं पूछ लेते? वो अपना काफी वक्त यहाँ बिताता है। खैर, ये देखो, मुझे लगा तुम ये शायद अपने पास रखना चाहोगे। ये हमारे परिवारों की कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। ओह, थैंक यू। वैसे ये जाता कहाँ है? कोई सुंदर नजारा मेरी नजरों से छूट गया तो मुझे वापस अंदर जाना है बापू। नहीं थंग, डगलस के साथ खेलो, वो अकेला पड़ गया है। उसे बुरा लग रहा है कि हम एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता रहे। ठीक है, तुम खेलना चाहोगे डगलस? अच्छा, ठीक है, तो जाके ले आओ। भागना, मैं वापस खेती के पास जा रहा हूँ। हे, ये रहा वो। ग्रग, यहाँ देखो दोस्त, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। ग्रग, ग्रगू, ग्रग, ग्रग, ग्रगू, साथ में घूमने चलें? यकीन नहीं होता है ना ग्रग, जिंदगी भी ना। पहले तुम्हारी जिंदगी में क्या था? बस एक वीरान पड़ा, बोरिंग, धूल मिट्टी से भरा इलाका। नहीं, वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। पर अपने चतुर दिमाग का सही इस्तेमाल करके मैंने एक ऐसा रास्ता ढूंढा जिससे मैं ऊंचे पहाड़ पर मौजूद सारे पानी को यहाँ नीचे ले आया। दिलचस्प है। मैंने एक बंजर रेगिस्तान को हरा भरा बना दिया। अब हमारे पास पानी की कभी कोई कमी नहीं होगी। बल्कि बता, सुंदर सा बढ़िया झरना बनाने की सोच रहे हैं। तुमने मुझे क्यों रोका? सॉरी, मैं तुम्हें हमारे इकलौते नियम के बारे में फिर से याद दिला दूं। हम यहाँ केले नहीं खाते। पर क्यों नहीं? मतलब यहाँ तो वो भरे पड़े हैं। देखो, वहाँ तो उनका पूरा का पूरा ढेर लगा हुआ है। ये किस लिए? फलों की बात है, हम दिन भर कर सकते हैं। पर क्या तुम कुछ शानदार देखना चाहते हो? हाँ, दिखा दूं। हे, कुछ खाने का मन है? ओह, मैंने सोचा साफ सफाई कर लूं। आखिर कल गंदगी हमने ही की थी। ओह नहीं, मैंने नहीं देखा था। तुम ये सब उस कचरे की टोकरी में फेंक सकती हो। ओह क्या बात है, क्या बात है। वैसे हम नहीं चाहते थे तुम हमें एक जंगली परिवार समझो। जंगली सैंडी, नीचे रखो, नीचे रखो। बच्चे भी ना। तो आका, तुम्हें जंगली जिंदगी याद आती होगी है ना? शिकार करना, ऐसा नहीं है। और खाना लाना, ऐसा नहीं है। और चांद को देखकर घुर्राना, बिल्कुल भी नहीं। सच कहूँ, वो जिंदगी बकवास है। अगर नाश्ते से पहले कोई जिंदा बच जाए तो बड़ी बात है। यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है। हाँ,
दरअसल ग्रग और मैं सोच रहे थे कि शायद हम लोग मैं तो भूल गई, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। एक टोकरी? वैसे टोकरी तो है पर ये सफर वाली टोकरी है। सफर वाली टोकरी? हाँ, सफर के लिए। इसमें फल हैं, खजूर, साबुन और साबुन और गर्दन का तकिया। ओ हाँ, सफर के दौरान ये काम आएगा। थैंक यू। इतना तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि तुम गाय को घर जो ले आए। घर? घर। गाय? गाय घर आ गया, अपने घर। अब चलती हूँ, रात को खाने पर मिलेंगे, ठीक है? मुझे चोट लगी है। तुम्हें चोट लगी है? मुझे चोट लगी है।